वेलकम ऑन दिस चैनल गाइस। हमारा ये प्रैक्टिस सेट है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। एंड अभी हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। सी अल्पाधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता हो, अर्थात 3, 4, 5 आदि, तो उसे हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार में कीमत निर्धारण भी द्वि विक्रेता अधिकार की भांति होता है। कुछ वस्तुओं के बाजार जैसे सीमेंट हुआ, पेट्रोल, ये सब हमारे अल्पाधिकार के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? मौद्रिक नीति हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसका घटक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है सार्वजनिक ऋण, क्योंकि ये तीनों ही हमारे रेपो रेट, क्रेडिट संभाजन, नैतिक उत्तेजना, ये तीनों ही हमारे मौद्रिक नीति के घटक हैं और सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन है जो हमारे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, राष्ट्रपति। तो देखिए, जो हमारे दो सदन होते हैं हमारे देश में, इन दोनों सदनों में से राष्ट्रपति किसी का भी सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? जो आपातकाल के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है बी, इसे राइट आंसर अनुच्छेद 352। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारा सर वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह सर वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सरदार की उपाधि कब मिली थी वल्लभ भाई पटेल को? बारडोली के जो लोग थे, उन वहां की महिलाएं थी, उन्होंने इनको इसकी उपाधि दी थी। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? जो भारतीय उपद्रव है उनका पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 में की थी। वैलेंटाइन श्रोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय उपद्रव या अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, सदाबहार वन से ढका हुआ है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? वो है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है हमारा, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। जो हमारी पृथ्वी है और बाह्य अंतरिक्ष है, उसके बीच की जो अंतिम रेखा है वो क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। आंसर होगा इसका ए, मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर कहलाती है, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंग के परस्पर मिलने की प्रक्रिया पृथ्वी के भारी वातावरण के मैग्नेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें थायमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थायमस ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन बनता है उसका क्या नाम है? ये हमारी, इसका नाम है थायोमोसिन। थायोमोसिन, और जो हमारी थायमस ग्रंथि होती है इसको प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का श्रवण करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्धन पर पड़ता है। ठीक है, थायमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या होगा फिर हमारा? थायमोसिन। नेक्स्ट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? ये तो सभी आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारा होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है? इसमें रक्त समूह कौन सा है बताइए, सार्वभौमिक स्वीकृता। इसका ऑप्शन नंबर है डी, एबी प्लस। अच्छा, जो इसका हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन वो कब चाहिए? जब उसको खाना बनाना होता है तब उसको ये सब चाहिए होता है, पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको खाना बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे हमारा इसमें है,
जल कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। इनमें से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। सीधे या परोक्ष रूप से दुनिया के सभी सजीव इस पर आश्रित है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सब जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है, इनकी उपस्थिति में होता है। लेकिन जो इसके अवयव है वो जल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, क्लोरोफिल भी है, पोषक तत्व भी है, ये भी है, ठीक है। यदि नेक्स्ट है इसमें, यदि प्रक्षदर्शक देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग हुआ है? तो आपको इसमें क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का और दर्पण की बात हुई है, ठीक है। इसमें है हमारा ए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण का प्रयोग हुआ है? अवतल दर्पण का। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार मोस्टली पूछा भी जाता है, तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का गोला गोलाकार प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है सी ए डी का संक्षिप्त नाम है, सी ए डी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, इसकी जो होगी मतलब फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए सही, ऊष्मा का उत्सर्जन, ये हमारी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक होता है हमारा, इसका सूत्र होता है NaCl, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है हमारा भूमंडल तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है, ठीक है, भूमंडल तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? 17 का है डी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है इसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? 18 का है बी आंसर, ग्राम सभा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? किस चीज का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, ये आपको बताना है। इसका नाम है सेफ्टी लैंप। जो सेफ्टी लैंप था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सर हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन के किसने जीता था? आंसर इसका स्टेन वावरिंका, ठीक है, स्टेन वावरिंका इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, राधा रेड्डी, भरतनाट्यम, इन सब का देखना है कि नृत्यांगना ज्योति राधा रेड्डी कौन से नृत्य से संबंधित है? पद्मा सुब्रभ्यम, सुब्रहण्यम कौन से नृत्य से है? सितारा देवी कौन से नृत्य से है, ठीक है। तो आपको जो इसमें बताना है इसका, देखिए राधा रेड्डी ज्योति हमारी वो संबंधित है कुचिपुड़ी से, ठीक है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, और पद्मा सुब्रहण्यम हमारा भरतनाट्यम से है, सितारा देवी हमारी कथक से है। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले हमारा मिला था वो मिला था हमारा किनको, अरे जो हमारे नाम इनका बिल्कुल उतर रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो मिला था। और 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपका जुआन मैनुअल सेंटोस को, ठीक है। ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति सेंटोस को कोलंबिया शांति समझौते के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई, कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? और उसका आंसर है इसमें एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, ठीक। और शशि थरूर की और भी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि द ग्रेट इंडियन नोवेल, द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज, शो बिजनेस, रायोट एंड एरा ऑफ डार्कनेस, ये तो इनकी है पुस्तकें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इसमें भारत में हाल ही में किस देश के साथ मिलकर दक्षिण भारत ने कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाने का फैसला लिया है, तो किसके साथ लिया है? इसका आंसर है ये भी थोड़ा इसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने कच्चे तेल भंडार बनाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है इसमें 25 क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है? ऐसा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसको ड्रग यूल भी कहते हैं? और इसका आंसर है सी भूटान, भूटान को ड्रग यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है,
भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, और इसमें ऑप्शन नंबर है डी, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। ये भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप, ये तीनों ही भारत के ऋण नियंत्रण का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? आर्थिक चर हमारी जो इकोनॉमिक बेस्ड होती है उसमें से कौन सा उदाहरण है? 27 का ऑप्शन नंबर है डी, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन है? किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन है? और इसका आंसर है डी, भाग फोर्थ ए। ठीक है, भाग फोर्थ ए में है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? आपको चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात है, इसमें अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में और आप क्या पूछ सकते हैं आपसे? अच्छा, और ये वाला आपको बता दिया कि राज्यपाल बनने हेतु 35 वर्ष आयु पूर्ण करना आवश्यक है। चलिए, और इसमें है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हर किशन के उत्तराधिकारी थे? कौन से सिख गुरु थे? उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे, जो प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपका नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्लैंक के लिए जाना जाता है? आपको बताना है किसके लिए जाना जाता है। इसका आंसर है ए, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम थे, ये प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वह बंगाल का गवर्नर जनरल था। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। ठीक है, बस इतना ही था। और इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य की सीमा रेखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए इज द राइट आंसर। और 36वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। आपसे 36वीं के बारे में अगर पूछ लेता है, 36वीं समांतर रेखा, तो 36वीं समांतर रेखा आपको बतानी है कि है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ला नीना एक प्रतिसागर धारा है। ला नीना जो है हमारी एक प्रतिसागर धारा है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ला नीना स्पेनिश शब्द का शब्द है। ठीक है, ये जो है ला नीना स्पेनिश भाषा है हमारी, उसका शब्द है जिसका अर्थ है छोटी बच्ची। तो ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, चूंकि इसका प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है इसलिए इसे प्रति एल नीनो भी कहा जाता है। ठीक है, एल नीनो के विपरीत हो गया, तो ला नीना एल नीनो से ठीक विपरीत प्रभाव रखती है। ये हुआ इसका। अब जो आपको बताना है वो है ला नीना परिघटना कई बार दुनिया भर में बाढ़ की सामान्य वजह बन जाती है। ला नीना प्रशांत महासागर पर जल का तापमान कम कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। तो ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? ला नीना जो होता है प्रशांत महासागर का जो जल है उसका तापमान कम कर देता है। तो ठीक है, नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? ऐसा कौन सा भाग है पौधे का जिससे हमें दालचीनी मिल सकती है? वो है बी, छाल। ठीक, और छाल का जो हमारा एक वो होता है दालचीनी, एक हमारा वो है हमारा एक छोटा सदाबहार पेड़ है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? सीना मोमम वैरम। ठीक है, और ये 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, और ये सदस्य किसका है? ये लोरेसी परिवार का सदस्य है। श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में बहुतायत में मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा मिलता है ये श्रीलंका और दक्षिण भारत में। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग होती है। इसमें एक अलग ही खुशबू होती है जो कि इसे गर्म मसालों की श्रेणी में रखती है। पौधे की छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। इसका पूरा हो गया दालचीनी का। अगर आपसे दालचीनी के बारे में कुछ भी बोले आप लोग आसानी से लगाई आना। इंसुलिन, देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का है, आपसे पूछा जाएगा क्या है। तो इंसुलिन जो है हमारा वो एक हार्मोन है। ठीक है, इट इज अ हार्मोन। और ये क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके मधुमेह से बचाता है। ठीक है, इंसुलिन वगैरह आपने सुना भी होगा कि इंसुलिन लगाए जा रहे हैं, राइट।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके, एंड तब तक आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और एग्जाम आने ही वाला है भाई, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।